जान दीजिए। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि जब तक हमारे कप्तान कुर्सी के पेची बांधने का संकेत बना कर दे, आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कुर्सी के पेची बांध रखिए। कृपया सामान के सावधानी से खोलें, अपनी सामने वाली सीट पॉकेट ध्यान पूर्वक जांच लें। आप अपनी सामान की पहचान कर लें ताकि वे अन्य यात्रियों के सामान के साथ बदल न जाएं। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E492 के कर्मी दल की ओर से आप सभी को इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम फिर आपकी सेवा करने की आशा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ वाइजाग में, जैसा कि आप देख सकते हैं वाइजाग का व्यू। मैं CMR सिटी सेंट्रल शॉपिंग मॉल पे हूँ। अभी जस्ट 15-20 मिनट्स बैक लैंड हुआ यहाँ पर। लंच के लिए आया था मैकडी में। शॉपिंग मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। अभी जो रूम बुक करा हूँ मैं, वो रूम पे जाने वाला हूँ, तो बताऊंगा। मैं यहाँ पे 3-4 डेज रहने वाला हूँ। पूरा वाइजाग एक्सप्लोर करेंगे, आपको पूरे हॉटस्पॉट्स बताऊंगा मैं, टूरिस्ट स्पॉट जो भी हैं। बीचेस है यहाँ पर, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एंड अर्कू वैली भी जाने वाला हूँ मैं, और केव्स का भी टूर करने वाला हूँ, वो भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं वीडियो में विजुअल इसका। पूरा पहाड़ों के बीच है ग्रीनरी, नेचर, उसके साथ साथ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वाइजाग। सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं इसको। अगर आप लोग वाइजाग आए कभी तो ये मॉल को चेकआउट कर सकते हैं गाइस। CMR सेंट्रल, साउथ सेंट्रल शॉपिंग मॉल। यहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं आप लोगों के लिए। पूरा फूड कोर्ट है हर ब्रांड का, जैसा मैकडी, KFC और बर्गर किंग्स वगैरह, सब पूरे आउटलेट्स है। शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइस। चेक इन कर लिया है रूम और नहा लिए, 2-3 घंटे का आराम भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं आरके बीच, जो कि फेमस बीच है वाइजाग में। देख सकते हैं आप लोग, दिस इज आरके बीच। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस टाइम पे। रात के 9 बज रहे हैं। कुछ भी कहो, मज़ा तो बहुत आ रहा है। जैसे वेव की हवा से नेचुरल जो खुशी मिलती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है समंदर तो अभी इस टाइम पे। दिस इज बे ऑफ बंगाल। ये वाइजाग का फेमस बीच है, बट यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। बोर्ड भी लगा के रखा है इन लोगों ने, मैं अभी बताऊंगा आपको। देख सकते हैं आप लोग आर के बीच है ये, यहाँ पर स्विमिंग अलाउड नहीं है। हेयर स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये बीच जो है बहुत ही ज़्यादा स्लोप जैसा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और पत्थर भी है इसमें, तो इट्स हार्मफुल, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड लगा है यहाँ पे स्विमिंग। तो
जब भी यहाँ पे आ सकते हैं कोई भी लोग, सिर्फ बीच का मज़ा ले सकते, पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी में जाना बहुत डेंजरस है। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो वैजाग में बीच में, तो दूसरे भी बीचेस है, टोटल 16 बीचेस है यहाँ पर। बस ये टॉप बीच है टूरिस्ट प्लेस के लिए, क्योंकि ये सिटी सेंटर में है, इसी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। कुछ भी कहो, समंदर के लहरों की जो बात है ना, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि कितना सुकून मिल रहा है रूह को, कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहली बार नहीं है बीच, मैं बहुत बार आ चुका हूँ, वैजाग की बीच पहली बार है। गोवा पे, मुंबई पे, दुबई पे, गोवा के बीचेस, मुंबई के बीचेस बहुत बार जा चुका हूँ मैं, बे ऑफ बंगाल के भी दूसरे बीचेस जा चुका हूँ मैं, लेकिन वैजाग पहली बार है। तो समर है, समर की इवनिंग बीच पे बहुत मज़ा आ रहा है। जो है रात के 10 बज रहे, बैकग्राउंड में मेरे पीछे पुलिस देख सकते हैं आप लोग, पूरी बीच खाली करा दी है, तो ना पसंद करते हुए भी वापस जाना पड़ रहा है। तो दैट्स द एंड ऑफ द डे। फॉर डिनर जस्ट ऑपोजिट ऑफ आर के बीच। व्हाट्स द रेस्टोरेंट नेम? स्टार कैफे एंड रेस्टोरेंट। मेन आर के बीच के मेन एड्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट दिखेगा आपको। बिरयानी ऑर्डर की है, देखेंगे कैसे है। हे गाइस, तो हो गया है डिनर, कैब के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी भी बीच के पास ही हूँ मैं, रात के 12 बज रहे हैं, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नीड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।